education with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, झांसी रोड मऊरानीपुर। झुग्गी झोपड़ी बनाकर कुछ समय से निवाड़ी में रहने वाले संदिग्ध लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की बात सुनकर क्षेत्रवासियों में रोष देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि स्टेशन के पास रह रहे यह लोग भारतीय नजर नहीं आते। जनप्रतिनिधि व आमजन भारी संख्या में अम्बेडकर चौराहे से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर महोदय संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार सारिकार परस्ते को सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हर्षमऊ में संदिग्ध लोग अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। इन लोगों का भारत के किसी भी राज्य का निवासी होने का प्रमाण नहीं है। इनकी गतिविधियां भारत के किसी भी आदिवासी समुदाय से भी मिलान नहीं खाती। संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पर मतदाता सूची में जोड़ने हेतु रोक लगाने की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार द्वारा की गई थी, जिसमें नायब तहसीलदार ने उक्त व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना उचित नहीं पाया था। लेकिन जांच को दरकिनार कर उन लोगों का नाम जोड़ने की सूचना पर निवाड़ी नगर के लोगों में गुस्सा भड़क गया और नगर के लोगों ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। रेलवे स्टेशन के पास जो व्यक्ति रहते हैं अपने मकान बनाकर, ऐसा लोगों द्वारा बताया गया है कि वो बाहरी लोग, मैंने उनकी जांच की थी, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं थी और आसपास के लोगों द्वारा बताया जाता है कि उन लोगों का कुछ पता नहीं चलता, वो लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या कार्य करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैडम अगर उनका नाम जुड़ता है तो कहाँ तक क्या होगा? इन पे आप लोग अगर इतनी दूर से आए हैं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। आपने जो ज्ञापन दिया है उस पर कार्रवाई। जी जी जी। निवाड़ी से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।